आईसी सूमन वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नोवा मुकाबला है इस वर्ल्ड कप का यह मैच खेला जाएगा इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में केप टाउन के ग्राउंड में तो इस मैच रिलेटेड में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि ड्रीम एलेवन टीम क्या होगी हु विल विन दिस मैच प्लेइंग क्या क्या हो सकती है पिच की कंडीशन कैसी है ओवरकास्ट कैसा है बाकी सब कुछ आपको कवरप करेंगे इस वीडियो में सो डोंट वरी वेलकम टू अवर चैनल मोहिमा क्रिकेट एनालाइजर बात कर लेते हैं पिच 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 की की रिपोर्ट केप केप टाउन टाउन के के बारे में तो द एट स्टेडियम इन इज अ बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस सर्फेस बॉलिंग फ्रेंडली सरफेस यहाँ पर स्विंग अच्छी देखने को मिलती है ऐसे ऐसे पिच पुरानी होती है काफी अच्छा तो टर्न भी देखने को मिलता है जिप मिलता है और स्पिनर्स को सो इंडिया के लिहाज से काफी अच्छी पिच है इंडिया को जैसे पिचेस चाहिए इंडियन कंडीशन में वैसी पिचेस वहां पर क्योंकि सीजन का एंड है वैसे आपको साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी लीग में भी ये पिच देखने को मिला था सेम वैसी ही पिच नज़र आ रही है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है इंडियन बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा अगर इंडिया फर्स्ट बैट बॉल करती है तो आपको मैक्सिमम बॉलर्स लेने बैट्समैन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने के स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होगा नहीं तो अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का जो पिच के स्टेट्स हैं यहाँ पर कैसा है वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पर एक मुकाबला खेला है वो हारा है और इंडिया ने यहाँ पर दो मुकाबले खेले दोनों के दोनों जीते हैं और इनका एवरेज स्कोर यहाँ पर 158 का होता है और वेस्ट इंडीज़ का वो वन फिफ्टीन का सिर्फ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपर हैंड है इंडिया का इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है डोमिनेट करती है इस पिच पर तो इंडिया के साथ आपको चलना ही चलना है आ, इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर्स आपको चूज़ करने हैं वहीं पर बात करें अगर तीन मैचेस यहाँ पर खेले गए वोमेंस के एक मैच डिफेंड हुए बाकी के दो चेज़ हुए हैं तो स्कोर कम बनता है तो चेज़ uh, करना भी इजी हो जाता है बट इंडिया की कंडीशन में ऐसे नहीं हुए इंडिया चेज़ uh, करे डिफेंड करे इंडिया को कुछ खासा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं वही पर बात करें अगर uh, दोनों टीमों का कंपेयर करें इंडिया की ओपनिंग ओवरऑल uh, बहुत अच्छी है वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले मिडल ऑर्डर इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले बहुत अच्छी है एक बैटिंग में जो डेप्थ है वो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का पूरा सिमिलर है पेस अटैक की बात करें तो इंडिया की थोड़ी सी पेस अटैक कमजोर नज़र आती है सिमिलर टू वेस्ट इंडीज़ जैसा है वैसा ही दिख रहा है बट स्पिन के मुकाबले में भाई uh, इंडिया बहुत आगे निकल जाती है वेस्ट इंडीज़ बहुत पीछे रह जाती है तो बैटिंग के मामले में इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड है बट बॉलिंग के मामले में वेस्ट इंडीज़ के बहुत आगे इंडिया तो आप ट्राई कर सकते हैं स्पिनर्स के यहाँ पर थर्टी सिक्स परसेंट विकेट मिलते हैं पेसर्स को सिक्सटी सेवन पर सिक्स फोर परसेंट विकेट मिलते हैं पर इस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं स्पिनर्स को आप ले सकते हैं चूज कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स जिस मतलब तो जो होंगे वहाँ पर विकेट मिलेगा उन्हें ऐसी कोई बात नहीं है किसी प्रेसर को मिलेगा ऐसी बात नहीं अब दोनों टीमों में अगर प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करें तो इंडिया के सबसे पहले प्लेइंग इलेवन की बात करें तो अभी यासिका भाटिया से फाली वर्मा जे रॉड्रिक्स पाकिस्तान के बहुत अच्छा खिलाफ विराट कोहली की याद दिला दी हरप्रीत कौर रिया घोष हलिन देवल और शर्मा पी वस्त्ररगर राधा यादव ऋतुराज राज सॉरी राधा गायकवाड़ और ऋषा ठाकुर आई थिंक हाँ ये ऋषा ठाकुर तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर शिफाली वर्मा बहुत अच्छी पिक हो जाती है जे रॉड्रिक्स एज अ बैट्समैन हरप्रीत कौर ऊपर बैटिंग करती है अच्छा वन अप करके विकेट भी ले लेंगी और दिप्ति शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाली इस मैच में विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर राधा यादव को आप चूज़ करिएगा पी वस्त्ररकर थोड़ी सी रिस्की हो जाती है स्टार्टिंग में बॉलिंग करती है फिर डेथ में करती है और आठ ठाकुर आप चूज़ करें जिनके का पास स्पीड है बहुत अच्छी है तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है विकेट मिल सकता है इन्हें और उस बात करें वेस्ट इंडीज़ के प्लेंग 11 के बारे में तो एच मैथ्यूज़ इनको पिक करके चलिएगा सारा टेलर इन दोनों में से कोई एक थोड़ा सा लंबा खेलेगा एक जल्दी आउट हो जाएगा सी कैम्पले भाई ये लास्ट मुकाबले में इंग्लैंड के काफ़ी अच्छा खेली थी रुक के खेली थी तो अगर स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिलता है पावर प्ले विकेट नहीं जाता है तो इन तीनों में से कोई दो टिके खेलेगा बाकी एस गजनबी को आप मत लीजिएगा सी हैं को आप ट्राई कर सकते हैं नेशन को मत ट्राई कीजिएगा ए फ्लेचर भाई जल्दी विकेट गिर जाते हो तो ये रन भी बना लेंगी और बॉलिंग में आकर कुछ विकेट भी ले लेंगी जय जेम्स को आप इग्नोर कर सकते हैं एस कॉर्नल आर विलियम्स एस सेलेमन यहाँ पर कुछ है नहीं भाई चूज़ करना है तो हार्ली मैथ्यूज़ एस टेलर कैम्पलेन और हैंनरी एंडी फ्लेचर इन पाँचों में से किसी तीन को ले लीजिएगा और बॉलर में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते करना चाहे तो कर सकते हैं आ, सो अगर बात करिए मैच कौन जीतेगा इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप ज्वाइन हो है सकते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडियो में तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय